AI दुनिया में काफ़ी बड़े बड़े बदलाव लेके आ रहा है। जैसे कि आपने डेली के बारे में सुना होगा कि आप कोई भी कीवर्ड टाइप करें या कुछ भी टाइप करें और वो सिमिलर इमेज आपको बना के दे देता है। इसी तरह सिमिलरली ढेर सारी चीज़ें हैं जो वीडियो एडिट कर देता है AI। कहीं पे आपने चैट GPT के बारे में सुना ही होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कई सारे आजकल वेबसाइट आ गई हैं AI वाली, जिन पे कि आप अपना आर्टिकल भी लिखवा सकते हैं कुछ भी सिर्फ टाइटल से। तो मैं चाह रहा था कि कोई एक ऐसी वेबसाइट मिल जाए जिससे कि हिंदी आर्टिकल बहुत अच्छा लिख जाए, यानी कि कोशिश जितने भी हिंदी ब्लॉगर्स हैं उनके लिए कुछ ऐसी वेबसाइट मिल जाए जो कि हिंदी में आर्टिकल लिख सके, वो भी बिना गलतियों के। तो मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट ढूंढी, काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए, काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे मैंने लिख के देखा और फिर मुझे एक ऐसी वेबसाइट मिली जिससे कि हिंदी आर्टिकल कहीं तक कुछ हद तक ठीक था। और ये मैं खुद आपके सामने उस वेबसाइट को टेस्ट करने वाला हूँ कि क्या वास्तव में वो सही लिख पाती है या नहीं, या कहीं कुछ कमी है, तो वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ट्राई करने वाला हूँ आज कॉपी जीनियस। ये एक AI राइटर है और ये बहुत सारी लैंग्वेज में कंटेंट लिखने में माहिर है। और इसका जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल जितना भी इंटरनेट पे मटेरियल अवेलेबल है उससे काफ़ी अलग है। यानी कि इसमें कोई कॉपी पेस्ट वाला कोई चक्कर नहीं, आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि भैया ये जो है कंटेंट चोरी किया हुआ है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो कंटेंट है वो ओरिजिनल बनता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये हिंदी कंटेंट को प्रॉपरली लिख पाता है कि नहीं। इंग्लिश का तो ऑब्वियसली लिख ही पाएगा, ग्रामेटिकली करेक्ट कर लेगा, लेकिन क्या हिंदी में भी कुछ कमियाँ रहती हैं कि नहीं, चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं यहाँ पे कि ये क्या क्या करता है। मैं यहाँ पे कॉपी जीनियस के पेज पे गया, होम पेज पे, उसके बाद टेम्पलेट्स पे क्लिक करके मैं इस पेज पे आ गया। अब यहाँ पे कंटेंट टाइप में आप देख सकते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ मैं जाऊँगा आर्टिकल राइटर पे, मैंने क्लिक किया क्योंकि मुझे तो आर्टिकल चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हम बाद में कभी देख लेंगे। और इसके बाद आर्टिकल राइटर में यहाँ स्टेप टू में हमें चूज़ करना है कि हमें शॉर्ट चाहिए, लॉन्ग चाहिए, कैसा चाहिए। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे लॉन्गर कर लेता हूँ, या चलिए एडवांस कर लेता हूँ, है ना, लॉन्गर भी बाद में देख लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ। कोई टाइटल देने के लिए मैं सोचता हूँ कि भैया हिंदी पहले तो मैं टर्न ऑन कर लूँगी, इसके बाद मैं एक टाइटल दे देता हूँ, हिंदी कैसे सीखें विस्तार से बताइए। मैं ऐसे ही कुछ रैंडमली टाइप कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं कि ये कर पाता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि राइट सब हेडिंग फॉर मी, सब हेडिंग भी भैया बताओ आप ही। तो देखते हैं ये लिख पाता है कि नहीं। और इसने यहाँ पे ये मुझे हिंदी के सबटाइटल भी बना के दे दिए। चलिए अब चलते हैं एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में यहाँ पे मैं हिंदी कर देता हूँ और जो टोन है वो चूज़ करनी है, मैं फ्रेंडली कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं राइट फॉर मी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ पता लगने वाला है कि क्या आप इससे प्रॉपर आर्टिकल लिखवा के अपने ब्लॉग पे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, क्या वो इस लेवल का आर्टिकल होगा कि नहीं। हालांकि इमेजेस वगैरह तो आपको बनानी ही पड़ेंगी ऑब्वियसली। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि गूगल पे क्या सिमिलर आर्टिकल कोई ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने कॉपी पेस्ट कर लिया हो कहीं से और डाल दिया हो यहाँ पे। सो लेट्स वेट और देखते हैं कि क्या आर्टिकल बन के आता है। हालांकि जो मुझे सब हेडिंग्स लग रही हैं वो काफ़ी सही हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद हिंदी का इतिहास और व्याख्या हो गया, हिंदी भाषा के स्वर और वाक्यांश हो गया, इसके बाद हिंदी में लेखन कैसे करें हो गया, और इसके बाद हिंदी में संज्ञाओं का प्रयोग। अभी ये लग रहा है राइट नहीं कर पाया, चलिए दोबारा क्लिक करते हैं राइट फॉर मी पे। ये फिर से नहीं लिख पा रहा है, तो चलिए कोई और टॉपिक देखते हैं कि कोई और टॉपिक ये लिख पाता है कि नहीं। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, इस टॉपिक पे ये शायद नहीं लिख पा रहा है। लेट्स सी कोई और टॉपिक लेते हैं, आर्टिकल राइटर देन एडवांस्ड। मैं बड़ा ही लिखवाऊंगा, इससे छोटा नहीं लिखवाऊंगा। यहाँ पे फिर से इसे हिंदी है, फ्रेंडली है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलो एक इतिहास से टॉपिक उठा लेते हैं, अकबर कौन था,
विस्तार से बताइए। तो मैंने ये एक टॉपिक लिया है, अब लेट्स सी कि ये इस पे लिख पाता है कि नहीं। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क भी लगा दूँ और सब हेडिंग लिखवाते हैं सबसे पहले, तो देखते हैं सब हेडिंग में कुछ प्रॉपरली आता है कि नहीं। अकबर कौन था, अकबर का प्रारंभिक जीवन, अकबर का शासनकाल, अकबर की विरासत, लोकप्रिय संस्कृति में अकबर। तो ये यहाँ तक तो काफ़ी कुछ सही आ रहा है, लेट्स सी अब ये राइट कैसा करता है। वैसे मैं भी यदि अकबर कौन था पे लिख रहा होता तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन लिखता और अकबर कौन था, प्रारंभिक जीवन, शासनकाल, यही सारी चीज़ें लिखता। हालांकि थोड़ी और ज़्यादा चीज़ें उसमें हो सकती थी और ये फिर से नहीं लिख पाया। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं कि लॉन्गर लिखो आप, ठीक है, एंड देन राइट फॉर मी करते हैं। अभी सिर्फ मैंने यहाँ पे टाइटल डाला है, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ये क्या लिखता है। यहाँ पे सब हेडिंग ये खुद से डिसाइड करेगा, हमने यहाँ पे कोई सब हेडिंग नहीं दी। अब यहाँ ये लिख के आ गया, यानी कि ये बहुत ज़्यादा लंबा लिखने वाले में प्रॉब्लम कर रहा है। अब ये देखते हैं इसने सही लिखा है कि नहीं, दोनों चीज़ें चेक करेंगे, फैक्ट वाइज और जो हिंदी व्याकरण है उसके वाइज भी हम दोनों चीज़ें चेक करेंगे। तो सबसे पहले अकबर भारत में मुगल साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासकों में एक था। मैं ये वाली जो लाइन है सबसे पहली वाली, मैं ये देखता हूँ कि क्या किसी और भी वेबसाइट ने ये लाइन लिखी हुई है। सो लेट्स फाइंड आउट। एग्जैक्टली ये लाइन किसी ने नहीं लिखी हुई है, तो यानी कि ये एआई ने खुद से जनरेट करी है। सो दैट्स गुड, इम्प्रेसिव। वह एक महान विजेता, एक बुद्धिमान प्रशासक और सहिष्णु शासक, ठीक है। वह कला और साहित्य के संरक्षक थे और उन्हें भी ये उनकी उपलब्धियाँ, अच्छा इन्होंने ये निबंध लिख दिया, ठीक है। प्रारंभिक जीवन, ठीक है ठीक है ठीक है। धार्मिक नीतियाँ, अच्छा मुझे जो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसमें, अगर जजिया, अब यहाँ क्या है, ये थोड़ा सा रिपीटेटिव है। लाइक उपलब्धियों में भी इसने सेम बात बताई है यहाँ पे, और यहाँ पे धार्मिक नीति में भी सेम बात बताई है। हालांकि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे डिमांड हो इसकी, जैसे धार्मिक नीतियों में ऑब्वियसली आप रखेंगे और उपलब्धियों में भी उसे बता सकते हैं, ठीक है। विरासत में अकबर एक सक्षम प्रशासक था, साम्राज्य की सबसे बड़ी सीमा तक विस्तार किया। सहिष्णु, यहाँ पे फिर से सहिष्णु घुसा दिया, और विरासत के बारे में कुछ भी ये नहीं बताया कि कोई इमारत बनाई या क्या किया, कुछ किया वैसा नहीं बताया। अब यहाँ पे अकबर एक वह एक महान विजेता, जो मेरा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, मुझे क्या लग रहा है कि ये जो है, जैसे कि देखो इसने शरीर का शीर्षक लिखा है, यानी कि इसने बॉडी टाइटल कुछ ऐसा लिखना चाह रहा होगा, और इसको पहले इसने अंग्रेजी में लिखा एंड देन इसको ट्रांसलेट किया है। तो मैं यहाँ पे इस निष्कर्ष पे पहुँच रहा हूँ एक बार, हालांकि शॉर्ट भी मैं लिख के देखना चाहूँगा, लॉन्गर हो गया, शॉर्टर में ये क्या लिखता है, लेट्स सी। अब कुछ और टॉपिक लेते हैं, लिख देते हैं भारत का भूगोल, सिर्फ इतना लिखते हैं, फिर थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि पहले उसने इंग्लिश में लिखा एंड देन उसको कन्वर्ट किया हिंदी में। हालांकि वो जो हिंदी का कन्वर्जन था वो भी प्रॉपर था, व्याकरण पूरा ठीक था और शब्दावली भी पूरी ठीक थी, हालांकि थोड़ी फॉर्मल लग रही थी और थोड़े मुझे लगा कि फैक्ट जो थे वो कम थे काफ़ी। जैसे कि विरासत के बारे में बताया तो उसके बारे में कोई इमारतें वगैरह का कोई जिक्र नहीं था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कम है, जो कि लॉन्गर वाले में ज़्यादा हो सकती थी, और लॉन्गर ये लिख नहीं पा रहा है। चलो ये हमने शॉर्टर लिखा है, शॉर्टर में इतने बिल्कुल सही। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको एक बार फिर से गूगल पे सर्च करके देख लेता हूँ कि यहीं कहीं से कॉपी तो नहीं कर लिया। नहीं, ये कहीं से भी एग्जैक्टली कॉपी नहीं है, कहीं कहीं से शब्द उठा के या कुछ भी करके ये बनाया गया है। ये भी हो सकता है कि ये जो है कंटेंट इंग्लिश में हो
और इंग्लिश को फिर शफल करके कुछ भी रीफ्रेज करके उसको लिखा हो एआई ने, और फिर उसके बाद हिंदी में उसको कन्वर्ट किया हो। और अगेन मुझे ऐसे देखो 100% लग रहा है शरीर का शीर्षक जो है इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, यहाँ पे बॉडी टाइटल बन रहा है जिसका कि ये हिंदी वर्जन कर रहा है, और ये जो है पहले इंग्लिश में लिखा गया होगा एआई के द्वारा, फिर उसको ट्रांसलेट करा गया होगा हिंदी में। सो यहाँ देख लेते हैं हिमालय, ठीक है, जलवायु में देख लेते हैं, ठीक है, हिंदी भी ठीक है, बट जैसे मैंने टोन के बारे में यहाँ पे चूज़ किया था फ्रेंडली, सो स्टिल मुझे जो टोन लग रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा कन्वर्जेशनल टोन नहीं लग रही है इसकी। स्टिल आई एम इम्प्रेस्ड कि ये जो कंटेंट है वो ब्लॉग पे यूज़ किया जा सकता है थोड़े बहुत बदलाव के बाद, जैसे थोड़ा और इसमें आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, बट ये जो कंटेंट है 100% आप यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे। सो दिस यू नो ये वाला जो ये जो कॉपी जीनियस नाम का टूल है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद इट, काफ़ी अच्छा लिख रहा है। और भी टूल मैं एक एक करके टेस्ट करूँगा, जितने भी AI वाले टूल हैं, कुछ इमेजेस वाले हैं, उन सबको भी धीरे धीरे करके टेस्ट करूँगा। तो आज मैंने ये टेस्ट किया है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट को बनाने में। हालांकि एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये हो सकता है कि फैक्चुअल मिस्टेक करे कुछ ना कुछ, क्योंकि ये जगह जगह से कंटेंट उठाता है और इसको जहाँ पे भी लगेगा कि कुछ भी सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट मिलेगा तो ये उसको लिख देगा वहाँ ला के। फैक्ट्स चेक करना आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने ब्लॉग पे कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दे दें। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि इसी तरह के और भी वीडियोज़ चाहते हो, हालांकि आगे मेरा प्लान है कि YouTube पे भी कुछ कुछ वीडियो लाना शुरू करूं, वीडियो एडिटिंग एंड ऑल, तो अगर चाहते हो उस तरह के भी वीडियो आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।